फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि जिस दिन का करंट अफेयर्स अपलोड होता है उसके एक दिन पहले की सारी करंट अफेयर्स सारी डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर करंट अफेयर, जिसमें पिछले 2-3 दिनों की वो सारी घटनाएँ शामिल की गई हैं जो आपकी फायदे की हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही टॉपिकों का टॉप 10 संकलन लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की ऐसी पहली कौन सी टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चर्चा में है अमेरिका। आप सबको पता होगा इधर कुछ टाइम में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो IR जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे विभिन्न देशों के साथ आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स अमेरिका ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा लिया है, मतलब कि अमेरिका अब चीन से कोई कपास नहीं मंगाएगा। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने चीन से होने वाले कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका ने। ओके फ्रेंड्स, तो अमेरिका ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हवाला क्या दिया उसने, किस कारण लगाया है? तो उसका कहना है कि दास श्रम का उल्लंघन हो रहा है। तो दास श्रम का हवाला देते हुए अमेरिका ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि और ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो अमेरिका से संबंधित हैं और हमारा जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स अमेरिका ने पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यासों की जो भारत के और अमेरिका के बीच होते चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक ही जगह सारे युद्धाभ्यास का कलेक्शन लेके आ गए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं। फ्रेंड्स अगर कभी आपसे वज्र प्रहार के बारे में पूछे तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है, इंडिया वर्सेज USA, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। कोप इंडिया, कभी आपसे पूछे कोप इंडिया या केवल युद्ध अभ्यास, तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप, तो टाइगर ट्रंप पूछा जा सकता है। ये चारों के चारों जो युद्ध अभ्यास हैं वो भारत और अमेरिका के बीच ही होते हैं। तो आप इनको क्रम से एक बार में याद कर लीजिए, बाकी आप जब पढ़ते होंगे तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, यहाँ मैंने कंपाइल कर दिया एक साथ। ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप। युद्ध अभ्यास एक अपने आप में सैन्य अभ्यास है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप, ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यास है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, अदार पूनावाला। तो फ्रेंड्स अदार पूनावाला ये नाम क्यों चर्चा में है, अदार पूनावाला इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको एशियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो एशियन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है, अदार पूनावाला को। आपसे सवाल पूछ सकता है कि एशियन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है, तो एशियन ऑफ द ईयर अदार पूनावाला को नामित किया गया। आइए देखते फ्रेंड्स तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आज करंट अफेयर्स की। तो तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है गुवाहाटी एक सम्मेलन को लेके, तो आर्थवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स, गुवाहाटी में। गुवाहाटी है कहाँ पे, असम में। ओके फ्रेंड्स, तो गुवाहाटी में आठवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है, तो भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उद्यमिता व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पे आठवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया गया है। कहां पे, गुवाहाटी में। उद्देश्य क्या है इसका शुरू करने का, उद्देश्य यह है कि भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकें, उद्यमिता को बढ़ावा देना, पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना असम की तरफ। तो इसी के लिए आठवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अगर ये आपसे सवाल पूछे तो इसका सही जवाब गुवाहाटी होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, असम। एक बार फिर से चर्चा में है फ्रेंड्स। तो असम क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स, असम ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। कौन सा, छठा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स असम का एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, उसको राष्ट्रीय उद्यान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब अब तक वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं था लेकिन अभी नाम से जान जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो हो सकता है आपसे सवाल ये पूछे कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, क्योंकि यह नया नया राष्ट्रीय उद्यान बन रहा है, इसको नया नया दर्जा दिया गया है,
तो हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ ले कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है, जो कि असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम देखें असम के अन्य योजनाओं के बारे में, तो धन्वंतरी योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो धन्वंतरी योजना आपके असम में ही चलाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पे देखा गया है? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ आपका असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। तो फ्रेंड्स, करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण था? करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि रायमोना अब एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसको मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो सवाल आपसे पूछेगा दो तरीके से, हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान किसको घोषित किया गया है? तो उसका नाम होगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। यह आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर आप रायमोना के बारे में जानते रहेंगे तो सही टिक करके आएंगे कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है, जो कि असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने असम के बारे में देखा कि वहीं पे धन्वंतरी योजना चलाई जा रही है। अगर कभी आपसे पूछे कि धन्वंतरी योजना कहाँ पे चलाई जा रही है, तो असम में ही चलाई जा रही है। इसके अलावा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। ओके फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। राधा कृष्ण नायर चर्चा में है। क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो इनको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो राधा कृष्ण नायर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, राधा कृष्ण नायर। तो राधा कृष्ण नायर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले मुख्य कोच कौन थे? तो फ्रेंड्स, राधा कृष्णन नायर से पहले बहादुर सिंह जी मुख्य कोच थे। किसके? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच इनसे पहले बहादुर सिंह थे। और वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया? वर्तमान में आपके राधा कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। राधा कृष्ण नायर इससे पहले कौन थे? बहादुर सिंह थे। और वर्तमान में मुख्य कोच हो गए राधा कृष्ण नायर। आइए बढ़ते हैं आज करंट अफेयर्स की अगली टॉपिक पे। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स की अगली महत्वपूर्ण टॉपिक महाराष्ट्र संबंधित है। तो महाराष्ट्र के कान्हल गांव को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है, हाल ही में किसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो अगर आपको पता होगा कि कान्हल गांव को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो इसको आप सही कर लेंगे। ये भी जानना जरूरी है कि कान्हल गांव को जिसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, वो स्थित कहां पे है? तो महाराष्ट्र में उसकी लोकेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र के कान्हल गांव को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के हम अन्य तथ्यों को देखें, अन्य फीचर्स को देखें, तो वहां पे ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। ये अगर आपसे सवाल पूछता है कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बन गया है। इसके अलावा शिवसागर, पोई और सलीम अली तथा लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ये कुछ प्रमुख महाराष्ट्र की झीलों पे भी हमने चर्चा कर ली कि कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, शिवसागर झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पोई झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सलीम अली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कभी पूछ ले, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि कान्हल गांव को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र का है कान्हल गांव। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में किसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, कान्हल गांव। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा। पहले टॉपिक हमने पढ़ा अमेरिका के बारे में, जिसने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर हमने पढ़ा अदार पूनावाला के बारे में, जिन्हें एशियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसके बाद अगले टॉपिक हमने पढ़ी गुवाहाटी से संबंधित, जहां पे 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसके बाद हमने असम के बारे में पढ़ा, जिसने रायमोना को नया राष्ट्रीय उद्यान
बनाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। और ये असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान होगा, नाम होगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगली टॉपिक हमने पढ़ा राधा कृष्णन नायर के बारे में जो चर्चा में है, इसलिए चूंकि इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। फिर हमने अगला टॉपिक पढ़ा महाराष्ट्र के बारे में, जहां पे स्थित है कान्हल गांव, और कान्हल गांव को नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। तो आज के करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा, बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी के जो बचे हुए 4 और करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं आइए उस पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में 7वीं महत्वपूर्ण टॉपिक नासा से संबंधित है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना, मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जानना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बहुत ही इनोवेटिंग थिंग हैपेंड हुई है नासा के द्वारा। तो ऐसा हुआ क्या है, देखिए अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर केट रूबिन्स के द्वारा, किसके द्वारा, केट रूबिन्स के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई गई है। सोच सकते हैं आप, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हुई है। और ये बड़ी बात है इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर, तो नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर हैं जिनका नाम है केट रूबिन्स, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है, ठीक है। और इसे नासा ने नाम दिया इस मूली को प्लांट हैबिटेट 2। जो मूली उगाई गई है फसल उसका नाम दिया गया है प्लांट हैबिटेट 2 नाम दिया गया है। तो फ्रेंड नासा के द्वारा इसे प्लांट हैबिटेट 2 नाम दिया गया। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक ने, किसने स्पेस में मूली उगाया है। तो नासा के वैज्ञानिक या नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर हैं केट रूबिन्स, उन्होंने मूली उगाया है। या तो ये पूछेगा, या पूछेगा कि अंतरिक्ष स्टेशन में उगाए गए मूली का नाम नासा के द्वारा क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया प्लांट हैबिटेट 2। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। एक तो केट रूबिन्स के द्वारा ये मूली उगाया गया कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाया गया है, और नाम इसका क्या रखा गया नासा के द्वारा, तो फ्रेंड इसका नाम नासा के द्वारा प्लांट हैबिटेट 2 नाम दिया गया है। नासा के बारे में हम देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड में, तो नासा की स्थापना अगर हम देखें तो फ्रेंड नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 8वां टॉपिक कौन सा है। फ्रेंड्स 8वां टॉपिक चाइना से संबंधित है। चाइना विश्व का ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है, अर्थात चाइना ने चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। तो चाइना ने चंद्रमा की सतह पर झंडा लगा दिया है और ऐसा करने वाला वो दूसरा देश बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि चांद पर झंडा गाड़ने वाला चाइना दूसरा देश बन गया है। उससे पहले ये काम किसने किया हुआ है, अमेरिका ने किया हुआ। तो इससे पहले अमेरिका चांद पर अपना झंडा गाड़ चुका है, अब चाइना ने भी वहाँ पर अपना झंडा लगा दिया है। तो चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये दोनों, एक नासा वाला और दूसरा चाइना वाला। ओके फ्रेंड्स, किस विमान से ये झंडा लगाया गया है ये भी जान लीजिए। तो चांग E5 अंतरिक्ष यान के द्वारा, चांग E5 अंतरिक्ष यान के द्वारा चाइना ने चंद्रमा पर ये झंडा गाड़ा है, ये झंडा लगाया है उसकी सतह पे। उस यान का नाम है चांग E5 अंतरिक्ष यान। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा करंट अफेयर का जो पढ़ना जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण है आपका परमजीत सिंह चर्चा में है। तो फ्रेंड्स परमजीत सिंह जी चर्चा में क्यों हैं, परमजीत सिंह चर्चा में इसलिए हैं कि भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। किसको, परमजीत सिंह को। तो फ्रेंड्स परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको, परमजीत सिंह को। तो फ्रेंड्स परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में थल सेना के प्रमुख की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जल सेना प्रमुख की बात करें तो करमवीर सिंह हैं, इसके अलावा अगर वायु सेना प्रमुख की बात करें तो RKS भदौरिया हैं। तो फ्रेंड्स थल सेना प्रमुख वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जल सेना प्रमुख करमवीर सिंह हैं, और वायु सेना के प्रमुख RKS भदौरिया हैं। करण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो आपसे सवाल पूछ सकता कि हाल ही में किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो परमजीत सिंह को हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ हमने वर्तमान में तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, उनको देखा। थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, जल सेना प्रमुख है करमवीर सिंह, और वायु सेना प्रमुख है RKS भदौरिया। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का आखिरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में विकास का दूसरा नाम हो गया, नाम बदलना, तो उसी कैटेगरी में एक और विकास हुआ है और यूपी के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इससे
रेलवे स्टेशन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। चलिए तो हो गई मजाक की बात, सब मिला के करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि यूपी के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के क्या रख दिया गया है, माँ बराही देवी धाम। तो फ्रेंड्स यूपी के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, माँ बराही देवी धाम। किस स्टेशन का नाम बदल के, यूपी के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। पूछ सकता है क्योंकि फेमस स्टेशन नहीं, इसलिए सवाल आ सकता है यहाँ से। ये स्टेशन है कहाँ पे, तो लखनऊ वाराणसी खंड पर है। तो लखनऊ वाराणसी रेलवे खंड पे एक स्टेशन स्थित है जिसका नाम है दादूपुर रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूपी के ट्रेडिशनल पक्षों को कि यूपी में कौन कौन से झीलें हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। तो फ्रेंड्स यूपी में आपकी ऊपरी गंगा झील है, फुलहार झील है, फुलहार झील पीलीभीत में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, तो फुलहार झील आपकी, फुलहार झील आपकी वहीं पर है, ठीक है। फुलहार झील आपकी पीलीभीत में और वहाँ से गोमती नदी निकलती है। तो फुलहार झील है, पार्वती अरंगा झील है और सुरहा ताल झील है। तो ये चार प्रमुख झीलें यूपी में है, एक ऊपरी गंगा, दूसरी फुलहार झील, तीसरी पार्वती अरंगा और चौथी सुरहा ताल झील। तो कभी इन झीलों के बारे में पूछा जाए तो सही जवाब दीजिएगा। इसके अलावा यूपी में ही चंद्रप्रभा बनजू विहार है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रप्रभा बनजू विहार कहाँ पर है, तो चंद्रप्रभा बनजू विहार आपका यूपी में है और बखीरा बनजू अभ्यारण्य भी यूपी में ही है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स की ये हमने टॉप 10 टॉपिकों पर चर्चा की है, किस पे, 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे। कल फिर सुबह 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ, हम आपसे फिर मिलेंगे। और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि डेली करंट अफेयर्स का डोज मुकेश सर करेंगे, एक्सपोज नाम का एक कार्यक्रम डेली रात को 9 बजे आएगा, उसमें थोड़ा सा डिले है, मैटर तैयार करने के लिए टीम मिल नहीं पाई है, वो मिलने वाली है, बातचीत चल रही है। जैसे ही टीम मिल जाएगी तो आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा सारे मैटर का, प्लस जो सुबह मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ डेली रात को 9 बजे, मैं आपको उसी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत लगन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। पूरा नवंबर हमने करंट अफेयर पढ़ाया, दिसंबर करंट अफेयर भी हम आप सबके सामने लेके आ ही रहे हैं और पॉलिटी भी जल्दी अपलोड होना शुरू हो जाएगी, उस पर भी काम चालू ही है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ सब कुछ फ्री आपको कास्ट मिलेगा, पॉलिटी यूपीएसआई स्पेशल पॉलिटी शुरू होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, दो लेक्चर अपलोड भी हुआ, आप देख ही चुके होंगे क्लास कैसे चल रही है। तो पूरा लेक्चर आपका यूपीएसआई के लिए पॉलिटी हम पूरा का पूरा फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा चार वीडियो डालेंगे फिर पेड बैच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, उनको सजेस्ट करिए कि आप लर्नर्स अड्डा चैनल सब्सक्राइब करिए, उस पर करंट अफेयर्स की सारी क्लास फ्री चल रही हैं, जो भी सब्जेक्ट है वो भी फ्री चल रहा है। पॉलिटी का पूरा मैं यूपीएसआई के लिए फ्री पढ़ाऊंगा और हो सकेगा तो मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।